हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा अनबॉक्सिंग और रिव्यू उषा की तरफ से आने वाले मिक्सर ग्राइंडर की। तो ये जो है बेसिकली सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर है, इसके अंदर जो जूसर वाला जार होता है वो नहीं है। तो इसलिए जो है सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर, जैसे कि आप देख भी सकते हैं लिखा है मिक्सर ग्राइंडर। और इसका जो मॉडल है उषा कॉल्ड प्लस मिक्सर ग्राइंडर करके है, ये इसका मॉडल है। तो इसको मैंने जो बाय किया है, इसे मैंने अमेजन से बाय किया है। तो उसका मैं बाइंग लिंक वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और ये मुझे पड़ी है लगभग 2850 रुपए की। दोस्तों, ये जो उषा की जो मिक्सर ग्राइंडर है, ये जो है आप देख सकते हैं लिखा है 750 वॉट्स की मिक्सर ग्राइंडर है। 5 ईयर्स की मोटर वारंटी आती है इसके ऊपर, यानी कि इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है उस पर 5 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। बाकी इन जनरल ओवरऑल जो वारंटी है वो 2 ईयर्स रहती है। तो 2+5 ईयर्स इस तरीके से इसके ऊपर वारंटी मिलती है, यानी कि 5 साल पूरे मोटर पे हो गई और 2 साल ओवरऑल पूरी वारंटी हो गई। तो किसी तरह की भी कोई टेक्निकल दिक्कत आती है इसमें। बाकी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर जो मोटर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 100% कॉपर मोटर है, यानी कि इसका जो मोटर है वो 100% कॉपर वाइंडिंग का मोटर है। और आप जब भी मिक्सर ग्राइंडर लें तो हमेशा उसकी वाइंडिंग चेक करके लें, डिस्क्रिप्शन में मिली आती है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं और ऑफलाइन ले रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं सेलर से, और ऐसे बॉक्स वगैरह पे भी लिखा हुआ मिल जाता है। और बाय चांस अगर किसी कंपनी ने बॉक्स पे ना लिखा हुआ हो तो आप पूछ भी सकते हैं कि भैया कि इस जो मिक्सर ग्राइंडर है, इसके जो वाइंडिंग है इसके मोटर की, वो एल्युमिनियम की है या कॉपर की है। 100% प्योर कॉपर की हो तो वो जो है जल्दी पुख्ता नहीं है मोटर, और वो सालों साल चलता है। तभी कॉपर वाइंडिंग की वजह से इसके अंदर हमें जो है 5 ईयर्स की वारंटी मिल रही है इसके मोटर के ऊपर। वरना कॉपर की वाइंडिंग नहीं होती ना तो 5 ईयर्स की वारंटी नहीं मिलती, 1 या 2 साल की सिर्फ वारंटी मिलती। क्योंकि कॉपर वाइंडिंग जो हैवी लोड्स पे भी जल्दी हीटअप होकर फुकता नहीं है, और उसकी लाइफ भी जो है काफी ज्यादा रहती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 3 स्टेनलेस स्टील जार्स, और यहाँ पे लिखा है कॉम्पैक्ट डिजाइन, इजी स्टोरेज, और इस साइड पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से वायर इसका आप लपेट के नीचे रख सकते हैं बॉटम में, और बॉटम में भी इसके जो है इस तरीके से वेंट्स मिल जाते हैं हमें, और साइड वेंट्स तो मिलते ही हैं। बाकी ये 3 जार्स मिलते हैं इसके अंदर, जो अभी हम अनबॉक्स करेंगे तो खोल के दिखाएंगे। 3 स्पीड का इनबिल्ट वेपर स्विच मिलता है इसके अंदर, और शॉक प्रूफ पूरी ABS बॉडी है इसकी। एंटी स्किड सक्शन फीड्स मिल जाएंगे इसके अंदर, डुअल टोन कलर है इसका। 3 पिन प्लग मिल जाता है इसमें, और वायर इसका लगभग 1.5 मीटर तक का मिल जाएगा। और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी हमें इसमें दे रखा है सेफ्टी के लिए, और मोटर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पिल ओवर लिक्विड, तो ये भी हमें मिल जाएगा इसमें। बाकी जार्स की जो क्वांटिटी आप देख सकते हैं इसके अंदर, जो सबसे बड़ा जार है वो 1.5 लीटर का मिलता है, उसके बाद मिड वाला जो है वो 1 लीटर का रहेगा, और बाकी जो उसका तीसरा जार है चटनी वाला वो 400 ml का है, और जितने ही जार्स हैं सब स्टेनलेस स्टील के हैं इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम इसे अनबॉक्स, और फिर देखते हैं कैसी है मिक्सर ग्राइंडर, और उसे टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो कर रहे हैं हम इसे अनबॉक्स, ब्लेड से काट दिया है, सील लगी दी है, इस तरह से कुछ पैकिंग में रखी हुई आती है। ये है इसके जार्स, ये कवर से बेसिकली ब्लू कलर के इसके। तो ये 3 जार हैं, ये सबसे बड़ा वाला जार है जो 1.5 लीटर का है, उसके बाद ये 1 लीटर का जार है इसका, और ये सबसे छोटा वाला चटनी जार है, और ये आ गया हमारा मिक्सर ग्राइंडर जो मेन मोटर पार्ट है इसका, इसको भी खोल लेते हैं हम। तो ये इसकी मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है, जिसे मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, कुछ तरीके से है मैनुअल इसकी। तो डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं इसमें, और ये इसके सारे कवर्स हैं, लिड्स जो हैं। तो एक मैं इसका ये कवर खोल लेता हूँ, सबसे मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली जो है इसके नीचे का मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये चिपका पड़ा है इसमें जो है हमें यहाँ पे सक्शन कैप्स मिल जाते हैं, तो सक्शन स्टैंड बेसिकली, जो कि ये जो है आपका जो भी फ्लैट पोर्शन होगा जहाँ पे भी आप रखेंगे तो ये स्टक हो आएंगे, चिपक जाएंगे, और ये जो है इजीली वहाँ से सरकेगी नहीं। जैसे कि अब ये मैंने हल्का सा दबाया तो ये बिल्कुल स्टक हो गई है, हिल नहीं रही है, और आपको आवाज़ आएगी अभी, ये आप देख रहे हैं। तो छुटाने पे इस तरह से ये नीचे जो है वैक्यूम बन जाता है और ये चिपक जाते हैं, ताकि ये जो है यूजेज के टाइम पे हिले ना बिल्कुल। बाकी ये इसका स्विच है, आप देख सकते हैं इसमें 3 हमें जो है पावर मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑफ है 1, 2 और ये 3, बाकी ये टॉप पे करने पे यहाँ पे जो है ऑफ हो जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे आप देखें तो इसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, ABS प्लास्टिक इसमें मिल जाती है। मैं यहाँ पे जो है वेंट्स आपको मिल रहे हैं साइडों में, आपको देख सकते हैं, और या फ्रंट में भी पूरा जो है, जिससे कि मोटर की जो भी हीट है वो आराम से जो है डिसिपेट हो सके। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा ये जो मोटर है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी जो है डिसेंट दी गई है हमें, और बैक साइड पे भी पूरा यहाँ पे जो है वेंट है। तो इस एरिया में वो जो है पूरे चारों तरफ उन्होंने वेंट दे दिए हैं, जिससे कि इसकी जो है एयर सप्लाई अच्छी रहे, जिससे कि मोटर हीट अप होके जले ना,
बाकी इसकी वायर जो है ये इस तरह से मिल जाती है, तो वायर की जो क्वालिटी है अच्छी दी गई है इसमें, मोटा वायर दिया है इसके अंदर और प्लग की क्वालिटी भी जो है वो अच्छी मिल जाती है हमें। वायर जो है इसका लगभग मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। वैस वायर मैंने खोल लिया है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसकी जो लेंथ है लगभग जो हमें 1.5 मीटर का वायर इसमें मिल जाता है, तो हमें ठीक ठाक लेंथ भी मिल जाती है वायर की और क्वालिटी वाइज भी अच्छा वायर मिल जाता है इसमें। कैप्स की मैं क्वालिटी दिखाता हूँ, इसके जार्स की मैं बात करूँ तो जार ये जो है आप देख सकते हैं लिड इस तरह से मिल जाती है हमें इसकी जो है, तो लिड की क्वालिटी भी अच्छी है इसके जो जार्स की, और साइड में रबर्स वगैरह भी हमें सही मिल जाती हैं इसमें। और ये जार जो है इसके ऊपर ये इस तरीके से लग जाएगा हमारा, और ओवरऑल इसकी ठीक ठाक क्वालिटी हमें मिल रही है। बाकी ये स्टेनलेस स्टील के हैं और ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है इनका स्टेनलेस स्टील भी, हमें क्वालिटी सही मिल रही है। तो है तो ये इसका ढक्कन जो है स्मूथ है, मतलब निकल आराम से जा रहा है, तो इसको यूजेज के टाइम पे एग्जैक्टली पता चलेगा कहीं ये जल्दी से निकल तो नहीं जाता ज़्यादा प्रेशर बनने के ऊपर। बाकी ये भी हमें जो जार्स हैं इनकी भी क्वालिटी सब अच्छी मिल रही है, तो इसको हम यूजेज करके देखेंगे तो ये कैसे इनकी परफॉर्मेंस रहती है, ख़ासतौर पर लिड वगैरह की इनकी, कि ये जल्दी निकलते तो नहीं है ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर। बाकी अंदर ब्लेड्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, ब्लेड की क्वालिटी भी अभी सही मिल रही है इन सारे जार्स के अंदर, और ये वाला भी जो थर्ड वाला जार है तो कुछ इस तरीके से हमें सारे ब्लेड्स वगैरह इसमें ऑलरेडी अटैच मिल जाते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का स्विच दिया हुआ है, जो कि आजकल आपने देखा होगा मोस्टली जूसर्स मिक्सर्स ग्राइंडर्स वगैरह में देने लगी हैं कंपनियाँ। इसका काम क्या होता है, कई बार होता है हमारा मोटर जो होता है ज़्यादा देर तक अगर हम चला दें यूज़ कर लें मिक्सर ग्राइंडर को तो वो बंद हो जाती है ओवरहीट होने की वजह से, यानी ओवरहीट होने से जो है कट ऑफ हो जाता है, कट ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम मिलता है हमें जिससे कि मोटर जले ना, इसलिए जो है मिक्सर ग्राइंडर में जो भी सेंसर लगा होता है वो डिटेक्ट करके कट ऑफ कर देता है मोटर को जिससे कि चले ना ज़्यादा हीट होने के ऊपर, और फिर उसको हम रिज्यूम करने के लिए इस स्विच को हमें जो है प्रेस करना होता है, और इसको प्रेस करने के बाद हमारा मोटर जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से हम मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है स्विच यहाँ पे दिए हुआ होता है। तो चलिए अब इसको हम इसमें कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं, कुछ इसमें ग्राइंड वगैरह करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इन द लास्ट फाइनल अपना ओपिनियन। और भाई एक चीज़ ये डिब्बे में रह गई थी, तो ये भी इसके अंदर मिलता है, तो ये जो स्पून होता है इसे आप निकालना है, इसको सेटल करना है पीसने के बाद में इनके जार्स के अंदर, तो इससे आप कर सकते हैं। और ये इसका पीछे का जो हिस्सा होता है ये आपका स्क्रू का जो रिमूवर होता है उसका भी काम करता है, यानी कि आपके जो इनके जो ब्लेड्स हैं तो इनके ब्लेड्स को इस तरीके से इसको लगा करके और आप इससे जो है खोल सकते हैं और इससे टाइट भी कर सकते हैं, तो ये इनका भी काम करता है। आई थिंक इस वाले के अंदर तो ये काम नहीं करेगा, ये थोड़ा मोटा लग रहा है मुझे। हाँ, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो बड़ा वाला हमारा जार है, तो इसका जो स्क्रू है आप देख सकते हैं ये मोटा है, तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठेगा इसके अंदर। तो इसको मैं लगाऊँ अगर, तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और मैं इसे घुमा रहा हूँ तो आराम से जो है ब्लेड को ये घुमा रहा है पूरा आप देख सकते हैं, तो हमें ब्लेड को किसी चीज़ से होल्ड करना पड़ेगा और फिर इससे हम इसे लूज करके निकाल सकते हैं, तो इस वाले के अंदर ये जो है वर्क करेगा इसका। तो गाइस यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर लिया है अपने सॉकेट में, और यहाँ पे जो है हम इसे अब टेस्ट करके देखेंगे। थोड़ा सा इसमें जो है लहसुन है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस है जिन्हें हमने अलग कर लिया है, तो इसको जो है अब इसके अंदर हम जो है ग्राइंड करके देखेंगे, इसके जो छोटा वाला ग्राइंडर है उसके अंदर। वो लहसुन इसमें हम डाल दे रहे हैं, इसे ऑलमोस्ट हमने जो है फिल कर दिया है, फुल से थोड़ा सा कम है, और फुल भरना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रेशर बनता है जार्स के अंदर, तो फुल से थोड़ा हमें कम ही रखना चाहिए कुछ भी हम ग्राइंड करें और कुछ भी बनाए हम। अभी जो है थोड़ा सा नीचे का ग्राइंड हुआ है, ऊपर का नहीं हो पाया, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है इसने ग्राइंड कर दिया है लहसुन है जितना भी, और बिल्कुल पेस्ट बन गया है इसका। कुछ एक दो कुछ कुछ जगह जो होती हैं उसकी वो अंदर दिख रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% ये पिस चुका है। ज़रा सा पानी और डाल रहे हैं इसमें, पहले नंबर पे पिज़्ज़ा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आगे ज़्यादा पावर की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन चुका है इसके अंदर। एक बार चम्मच से मैं दिखा देता हूँ आपको, और तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये अच्छे से जो है इसने इसे ग्राइंड कर दिया है।
तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी जो है काफी अच्छी है। मोटर की आवाज में देगी, मोटर की आवाज जो है वो थोड़ी तेज है, जाहिर सी बात है 750 वॉट्स का मोटर है। तो इस बजट के अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ द ग्राइंडर्स आते हैं या जूसर मिक्सर ग्राइंडर के लिए, वो उन सबकी आवाज जो है आपको लाउड ही मिलेगी। और अच्छी बात यह है लेकिन इसके अंदर हमें कॉपर वाइंडिंग का मोटर मिलता है जिसमें हमें 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है। और 2800 रुपये के प्राइस बजट के अंदर मैं कहूँगा काफ़ी सही है भाई ये। 5 साल की आपको इसके कॉपर वाइंडिंग मोटर की पर वारंटी मिलती है, और कॉपर वाइंडिंग मोटर है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉपर वाइंडिंग जल्दी ख़राब नहीं होती, जल्दी जलती नहीं है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम वाइंडिंग मोटर्स। तो आप जब भी खरीदें कोई भी मिक्सर ग्राइंडर या जूसर मिक्सर ग्राइंडर अपने लिए, तो हमेशा कॉपर वाइंडिंग वाला मोटर सेलेक्ट करें जिसमें 100% प्योर कॉपर वाइंडिंग दी गई हो। चाहे थोड़े से आप 500 रुपये तक भी ज़्यादा दे दें तो चलेगा, लेकिन वो आपका लास्ट लॉन्ग चलेगा, सालों तक चलेगा।